हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो इस बार बहुत ज़्यादा लंबी राइड होने वाली है और इस बार फिर से हम अगेन नेपाल जाने वाले हैं और हम निकल चुके हैं अमेठी से नेपाल के लिए। और फिर से वही रात में ड्राइव करने का हमने सोचा है, क्योंकि रात में जो डिस्टेंस है उसे कवर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और हम थोड़े ही समय में अच्छी खासी राइड कर सकते हैं, क्योंकि रोड पूरी तरीके से खाली रहता है। तो हम लोगों ने अपना लगेज पैक कर लिया है और निकल पड़े हैं एक डिस्टिनेशन के लिए। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि इस बार हम नेपाल में पोखरा से मुस्तांग का टूर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है यह टूर, क्योंकि मुस्तांग की तुलना हम इंडिया के लद्दाख से कर सकते हैं। जैसे लद्दाख है इंडिया का, वैसे ही वहाँ पर लोअर मुस्तांग है। और मुस्तांग जाएंगे और अपने पास SUV तो है नहीं, बस यही कार है टाटा टिगोर, जो कि किसी SUV से कम नहीं है। और लोगों का कहना है कि वहाँ पर 4x4 गाड़ियाँ ही जाती हैं, लेकिन हम इस गाड़ी से करके दिखाएंगे मुस्तांग का टूर और देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस गाड़ी का। और भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला है वह है मुक्तिनाथ मंदिर, जो कि 12,000 की फीट पर स्थित है, और हम पहुंचेंगे और दिखाएंगे वहां का नज़ारा। तो अभी हम लोगों ने अच्छी खासी दूरी तय कर ली है, क्योंकि अमेठी से यहां की दूरी जो कि सोनौली बॉर्डर है 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर हमें तय करना है और हम घर से निकले थे 12 बजे, तो करीब 6 बजे जो गूगल मैप है वो दिखा रहा है कि 6 बजे के आसपास हम लोग सोनौली बॉर्डर पहुँच जाएँगे। तो सोनौली बॉर्डर जाने के लिए हम लोग सिद्धार्थ नगर से होकर के जा रहे हैं। ये सिद्धार्थ नगर वाला हाईवे है और इसी से हमें जाना है, और चलेंगे वहाँ पर और दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा है बॉर्डर का। ये यहाँ से हम लोगों ने कट लिया है, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट है, तो यहाँ से हमने कट ले करके हमें सीधा जाना है और ये रास्ता हमें पहुँचाएगा नेपाल बॉर्डर के लिए। और अगर आप जाना चाहते हैं तो सीधे इस हाईवे को ना छोड़िए और सीधे आपको ले जाएगा सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ नगर से नौगढ़ होते हुए फिर आप वहां जा सकते हैं। वो रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी रास्ता अच्छा है, तो हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया है वहां जाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने रात में ड्राइव किया है, करीब 250 किलोमीटर हो गए हैं। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर बॉर्डर और बचा है, अभी देखते हैं गूगल मैप पे क्या दिखा रहा है। तो 13 किलोमीटर अभी और रह गया है, 17 मिनट के अंदर अंदर हम लोग बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे। तो सनराइज हो चुका है और सुबह का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और रोड भी अभी पूरी तरीके से खाली है, तो डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है हम लोगों को। और आसानी से 80 से 100 की स्पीड मेंटेन करके आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो आगे टोल गेट आने वाला है और बहुत जल्द हम लोग नेपाल बॉर्डर के आसपास पहुंचने वाले हैं सोनौली बॉर्डर, क्योंकि जो यूपी है इससे सोनौली बॉर्डर सबसे नज़दीक पड़ता है। जो सुल्तानपुर अमेठी वाले लोग हैं, ये लोग सोनौली बॉर्डर से ही एंट्री करते हैं। तो सोनौली बॉर्डर पहुंचेंगे और बताएंगे कि बॉर्डर पे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं परमिट के लिए, क्योंकि अगर आप पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो आपको परमिट बनवानी पड़ती है। तो देखिए सन कितनी तेज़ी से चमक रहा है। तो अब ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर के करीब है, और अब बचे हैं 1.3 किलोमीटर, मात्र 3 मिनट में हम लोग बॉर्डर के पास पहुँच जाएँगे जो कि सोनौली बॉर्डर है। और ये देखिए दूसरी साइड जो कि लेन है उसमें पूरी तरीके से ट्रक लगे हुए हैं, और हम लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, क्योंकि उस साइड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है, क्योंकि अभी बॉर्डर बंद है। बॉर्डर खुलने का जो समय है वो 8 बजे है, हम लोग 6 बजे ही पहुंच जाएंगे, तो हमें करीब 2 घंटे तक का हमें वेट करना पड़ेगा। तो अब मात्र 20 मीटर रह गया है यहाँ से बॉर्डर, तो यहाँ से हम लेंगे कट और यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर एक गाड़ी अभी देखिए बस है जो कि बैक हो रही है। तो ये देखिए जो लोग बस से आए हैं वो लोग यहाँ उतर करके पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ शायद कुछ खिलाड़ी हैं जो जा रहे हैं इंडिया से नेपाल खेलने के लिए। तो ये है हमारा इंडिया का बॉर्डर जो कि नेपाल में है, तो उस साइड आप देखेंगे तो वो है नेपाल का बॉर्डर।
और अभी देखिए बैरिकेड लगा करके बॉर्डर बंद किया गया है, तो अभी हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बीएसएफ के जवान लगे हैं जो कि बॉर्डर सुरक्षा के लिए होते हैं। और देखिए सारी गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पे खड़ी हैं, अभी बॉर्डर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग, और हम भी कर रहे हैं बॉर्डर खुलने का इंतज़ार, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। और जब भी आप यहाँ पर आइए तो करीब 9 बजे के आसपास आप बॉर्डर पहुँचे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और जब तक गेट खुलेगा नहीं तब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और देखिए ये गेट खुल रहा है बॉर्डर का, और ओपन हो चुका है बॉर्डर, और हम लोग भी करेंगे एंट्री। इस बार शायद चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें सब कुछ चेक करवाना पड़ेगा, गाड़ी पूरा चेक होगी, बैग स्कैनिंग होगी। फ़िलहाल उधर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, वहाँ कुछ भी आप शूट नहीं कर सकते हैं, अगर शूट करेंगे तो फ़ोन कैमरा आपका ले लिया जाएगा। तो ये है जो गाड़ियाँ जा रही हैं, अब बॉर्डर ओपन हो गया है, तो हम भी चलेंगे और बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा, तो आपको जैसे ही अंदर एंट्री मिल जाती है तो सबसे पहला काम आप सिम कार्ड ले लीजिए। ये है हमारी गाड़ी पीछे वाली, जो रेड कलर का शीशा है वो गाड़ी आ रही है, और हम भी प्रवेश करने वाले हैं बॉर्डर में, और वहाँ पर लेंगे सिम कार्ड सबसे पहले, उसके बाद इसका भंसाल बनवाएंगे। भंसाल बनने की क्या प्रक्रिया है उसको हम पूरा बताएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।